सुबह लोग वेलकम बैक टू एक अनदर वीडियो रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कल्याण सर ने क्या बोला है यहाँ पे न्यूज में रिगार्डिंग द फोर वीक कैंप इगोर सी मैच क्यों खुश नहीं है इवन आफ्टर विनिंग वनिंग सैफ कप एंड आई लीग के बारे में भी एक दो इन्फॉर्मेशन है जो कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए टू डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग दी काइंड ऑफ कंटेंट स्पेशली रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल आप जरूर से सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक like करिए और हमारे इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग एक प्ले लिस्ट है उसको आप चेकआउट करोगे तो लेटली जो भी वीडियोज हमने बनाए हैं उसके उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर ईगोस्टिमाच के इंटरव्यू के बारे में बात करने से उन्होंने क्या बोला ऐसा जो कि यू नो हमें थोड़ा सा शौक लगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक बात बोली दैट इंडिया इज नॉट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इट नीड्स टू चेंज फास्ट सो so, उनका कहने का मतलब था कि अगर भारत को बाकी देशों से कंपीट करना होगा तो यार हमें ना अपने पैर को ड्रैग नहीं करना है हमें क्विकली मूव करना है और सबसे पहले कहीं ना कहीं ये जो हिंट है इट इज़ टूवर्ड्स दी ए आई कि यार वो जल्दी से डिसीजन ले सो दैट हमें पता चले कि यार हमें जो कैंप मिलने वाला है एशियन कप के लिए वो कितने दिनों का होने वाला है सबको पता है भाई कि ईगोस टी मैच को रिक्वायरमेंट है मिनिमम फोर वीक के कैंप की और अभी न्यूज़ आ रही थी इंडोनेशिया टर्की जाएगी थ्री वीक्स के लिए टू प्रिपेयर फॉर द एशियन कप्स तो गई हमें भी कुछ ना करना पड़ेगा आगे इगो कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी और वो क्यों नहीं यहां पे है ये जानिएगा आपको थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा बॉयज आर कैरिंग अ बैड हैबिट फ्रॉम द आई एस एल डिस इन द फाइनल थर्ड इज पुअर जब पास करना होता है तो शूट करते हैं जब शूट करना होता है तो पास करते हैं समथिंग लाइक दैट और ये बात तो मैं काफी दिनों से आपको कह रहा हूं कोई भी एक टैक्टिकल एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया कोई भी रिव्यू बनाया वहां पर इंडियन फुटबॉल का तो आईव ऑलवेज सेड यार की भारत की फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग इज नॉट गुड और कहीं ना कहीं ये आई एस एल की वजह से एक प्रॉब्लम में आई है बिकॉज आई एस एल में यू हैव गॉट द फॉरन प्लेयर्स जिनके ऊपर आप डिपेंडेंसी रख सकते हो तो हर बार जब बार फ्लैंक्स पे जाती है या फाइनल थर्ड्स में आती है तो हमारे पास वो अल्बर्ट नोगेरा होते हैं या ह्यूगो बोमू होते हैं या हमारे पास वो बेटर स्ट्राइकर्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ बेहतरीन करते हैं एंड वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देम यहां पे वेन इट, वेन इट तो इंडियन फुटबॉल हमारे प्लस फाइनल थर्ड में पहुंचते हैं एंड वी आर लाइक अब क्या तो ये वॉट वाईज सेट दैट यार वो क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते वो क्यों नहीं फन कर सकते ऑब्वियसली सेलिब्रेट किया उन्होंने फन किया उन्होंने बट देन ही इज ऑलरेडी थिंकिंग अहेड वो ऑलरेडी सामने आगे फ्यूचर का सोच रहे ही गोज ऑन टू से आगे कि यार एक जब नेशनल टूर्नामेंट होने वाला होता है जो फीफा के रेगुलेशन है जिसमें कि फाइव डेज बिफोर प्लेयर्स को आना है क्लब्स विल रिलीज द प्लेयर्स फाइव डेज बिफोर द नेशनल कैंप तो जो एक टाइम होता है जिसमें कि एक प्लेयर क्लब में खेलने से एडजस्ट uh, करें अपने आप को एक नेशनल टीम के जोन में दैट इज सम अराउंड सेवन टू एट डेज तो मतलब सात से आठ दिन तो उसको मिनिमम लगते हैं कि वो यार क्लब का फुटबॉल भूल के नेशनल टीम के एक पूरे जोन में आए राइट तो दिस इज वॉट इगोस्टिमा सेड एंड उनका ये जो कंसर्न था रिगार्डिंग दी फाइनल थर्ड में फ्लूड अटैक करना यार ये बहुत कॉमन है ये आप लोग भी जानते हो हम भी जानते हैं कितने बार हमने इस बारे में बात किया है अब यार ईगो स्टीमैच का मैसेज क्लियर है भाई देखो एक बात तो है यार स्टार्टिंग से लेके अब तक ईगोस्टीमैच ने ना फैक्ट्स बोले ही ही बैक डाउन है कम टू दी मैनेज मैनेजमेंट ऑफ द AIFF उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो साफ साफ वो खुल के बोलते हैं ठीक है ठीके? कभी कभार वो थोड़ा एक्स्ट्रा मांगते हैं कि भाई हमें इतना क्या चाहिए या चीज़ें हमारे से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रन हो तो AIFF वो चीज़ें नहीं कर सकता और इसी का एक रीजन कल्याण चौबे ने दिया है क्यों कल्याण चौबे ने कल इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक बात बताई कि यार हमारे इस साल अगर तुम देखोगे तो आई चलेगा आई लीग चलेगी और फेडरेशन कप भी चलेगा साथ साथ बीच में तुम किंग्स कप और मिर्देका कप खेलोगे और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी आएंगे तो ये सबको तुम ध्यान में अगर रखो और तुम फीफा के रेगुलेशन को ध्यान में रखो तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फोर वीक्स टू द कैंप तो यार देख रीज़न तो है यहाँ पे कल्याण सर ने भाई रीज़न तो अच्छा बताया कि इतने टूर्नामेंट्स एक साथ चलेंगे तो यार हम कैंप कैसे चार वीक्स का दे पाएंगे तो मेरा एक सोल्यूशन है इसके रिगार्डिंग यार अपनी लीग थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दो थोड़ा सा पहले अक्टूबर में रूमर है लीग स्टार्ट होगी थोड़ा सा पहले लीग स्टार्ट कर दे यार हम अगर सितंबर से स्टार्ट कर ले और आई थिंक जो दिसंबर का टाइम आएगा उसमें हमको अगर ब्रेक्स ना ले तो यार वी वी शुड स्विच ऑफ द लीग बिफोर क्रिसमस मतलब वो पंद्रह दिसंबर के अराउंड अगर हम अपनी लीग को बंद कर दें हमारा पहला गेम है थर्टींथ को है थर्टीन जनवरी को पहला गेम होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो यार इट माइट वर्क आउट कल्याण सर इसी इंटरव्यू में आगे भी कहते हैं पहले मैं ये बता दो फिर हम मूव करेंगे आगे कि यार हमें अपनी फीफा रैंकिंग को इम्प्रूव करना होगा जितनी हायर हमारी फीफा रैंकिंग कि उतने बेटर सेट्स ऑफ हमें मिलेंगे यार कहीं ना कहीं पता नहीं यार मतलब मतलब फीफा रैंकिंग से हायर का क्या मतलब है आप पॉट थ्री में होते तो आपको थोड़ी बेटर टीम्स मिली होती वर्ल्ड कप के लिए। मैं, मैं पता नहीं, मतलब पीपल पे अटेंशन टू रैंकिंग इवन अब तो कल्याण चौबे सर ने भी रैंकिंग बहुत बड़ा इंफोसिस दे दिया है तो मेरे ओपिनियन में यार पता है क्या रैंक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस पॉइंट टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुमने देखा कुवैत के अगेंस्ट भी हमने एक अच्छी रैंक टीम जो नहीं है उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया यार टू स्कोर गोल्स ओपन प्लेस हमारे गोल्स नहीं आए और वी हैड टू गो ऑन एंड रिजॉर्ट टू पेनल्टी शूट आउट यार बहुत ही स्क्रैपी गोल ठीक है हमने पिछले मैचे में मारे होंगे बट एक बहुत बेहतरीन गोल हमने मारा था कुवैत के अगेंस्ट जो बिल्डअप हुआ था उसका तो तुम देख रहे हो साइंस है हमारे इंप्रूवमेंट के और अच्छी रैंक आप ऐसे अचानक से नहीं बढ़ा सकते हो यार यूल हैव टू कीप ऑन प्लेइंग इन डो टूर्नामेंट्स आपको अपनी रैंक धीरे धीरे बढ़ानी होगी बट एक बात है फ्रेंडलीज के लिए और ये टूर्नामेंट्स के लिए आप डेफिनेटली इन टीम्स को कॉल आउट करते रहो आप कॉल आउट करो उनको बुलाओ इन टूर्नामेंट्स के लिए कल्याण सर कहते भी यार कि हमारे जो साफ टूर्नामेंट था उसमें हम एक एक्स्ट्रा टीम के बजाय हमने दो एक्स्ट्रा टीम को बुलाया जो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स थे हमारे लेबनान को है तो ये सब तो हम और बेटर और पावरफुल टीम्स को भी बुला सकते हैं बुलाना चाहिए बट इसी बात पर एक और स्टेमास की टिप्पणी जो थी उन्होंने एक बात कही कि यार वी इन इंडिया आर नॉट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड द गैप विद द द रेस्ट ऑफ विदर्स विल ओनली इंक्रीज इफ वी ड्रैग आर फीट वी हैव टू डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू प्ले इन इंडिया एंड बी हैप्पी और गो आउट एंड ट्राई टू कंपीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उनका सिंपल से कहना यह था कि क्या हम भारत में खेल के भारत की ट्रॉफी जीत के क्या हम खुश हैं क्या हमें बाहर जाके बाहर के देशों को कम्पीट नहीं करना चाहिए क्या उससे हमें खुशी नहीं लेनी चाहिए तो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बात मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि भारत को अभी बहुत बड़ा चैलेंज होगा टू तो गो आउट इन दी अदर कंट्रीज एंड टू प्ले देयर अभी थाईलैंड में जो कप होगा मृदे का किंग्स कप होगा उसमें हम लोग को खेलना होगा तो ये जो बाहर के टूर्नामेंट्स हैं बाहर के देशों के अंदर एक हॉस्टाइल एन्वायरमेंट में खेलना जहाँ पे आपके बंदे नहीं हैं बैक करने के लिए आपको वो होगा रियल टेस्ट भारत का एनी एनिगोस्टिमांस इस पर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं सो बिग टूगोस्टी मैच फॉर कॉलिंग दिस आउट और यार ये से भाई, से, भारत में खेलोगे तीस हजार लोग चांड करेंगे तो, तो खेलोगे और सुनील सर ने कहा भी इस बात को कि भाई अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद हम ना जीते वी डोंट वॉन्ट टू सी दैट हैपन हमने जीता बहुत सी बात है बट लेट्स गेट आर एक्ट टूगेदर एंड मूव ऑन करते आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं यहां पर इगोस्टी मैच आगे जो मैंने कहा रिक्वायरमेंट थी उनको फोर वीक्स की एक कैंप की वो कहते हैं यार प्लेयर्स को सिंक होने में एडजस्ट करने में टाइम लगता है तो यार कल्याण चौबे ने उसका रिप्लाई किया यार कि भाई गिवन इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं हम चार वीक तो नहीं कर पाएंगे बट विल ट्राई टू डू द बेस्ट वी कैन सो so यार अगर फोर वीक्स नहीं है तो एटलीस्ट थ्री वीक्स करना बहुत बहुत जरूरी है भाई लोग ठीक है क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट्स टू वीक के आ रहे थे तो टू वीक्स तो भाई नहीं होगा नहीं होगा बाबा इसके बाद एक रिपोर्ट आती है सहल अब्दुल समद की एक इनिशियल इंक्वायरी सऊदी प्रो लीग में खेलने की तो यार ये एक्साइटिंग है यार ये एक बहुत एक्साइटिंग है कि सऊदी प्रो लीग में दे आर वांटिंग टू हैव सहल अब्दुल समद यार फिर मैंने एक रिपोर्ट सुनी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अब्दुल रहीमन सर जिन्होंने आशिक कुरियन के वर्ड्स को एक्सप्लेन किया वो कह रहे थे यार कि क्योंकि आशिक ने कहा ना यार कि हमारे पास लाइक अगर पैसे थे और हमें अर्जेंटीना को इनवाइट करना था अच्छा कि हमने इनवाइट नहीं किया हमें वो पैसे केरला के, के स्टेडियम्स में लगाने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए यूज़ करने चाहिए तो यही अब्दुल सर ने कहा इसी बात को कि यार कि हम ये दो से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से हम ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं हमने दो करोड़ भी सैंक्शन किए थे फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड चेंजेस हम बना रहे हैं अभी उन्होंने कहा कि यार हमने फोर्टी फाइव करोड़ सैक्शन किया है फॉर मंजेरी स्टेडियम उसका रिनोवेशन होगा फिर एक सिक्सटी करोड़ फिर

वो कौन सा ग्रास रूट प्रोग्राम डेवलपमेंट हुआ भाई 2000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है अगर हमने 2000 करोड़ इन्वेस्ट करना था 2016 से लेकर अभी तक ग्रास रूट प्रोग्राम डेवलपमेंट में केरला में ना वो हमें देखना चाहिए था यार ग्रास रूट प्रोग्राम एक बहुत बड़ी कमी है हमारी इसीलिए ए एफ एफ ब्लू कब्स करके एक एजेंसी स्थापित कर रहे हैं जिससे कि वो ग्रास रूट फुटबॉल को डेवलप करने में हेल्प करेंगे तो यार ये बातें तो भाई बहुत ज़्यादा थी बड़ी बड़ी बातें हो गई थी इन्होंने कहा कि अर्जेंटीना ब्राज़ील का बहुत बड़ा फैन बेस है यहाँ पर हमारे केरला में उसको हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि इंडिया टीना हो जाए और सब लोग देखने आए मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर यार यार आपको ये बात नहीं पता सर कि हमारे अगेंस्ट खेलने नहीं चाहते थी तो हम कैसे ला पाते थे अगर हाँ आगे आप कर सकते हो तो बहुत सी बात है बिल्कुल करें। आपने 2000 तो फोर्टी फाइव करोड़ नहीं है कुछ आपके लिए बट गई सिंपली आर्जेंटीना को बुला के एक मैच खिलाने से इंडिया को बहुत बड़ा कोई प्रमोशन नहीं हो जाएगा हाँ लोग देख लेंगे बात कर लेंगे एक हफ्ता एक महीना बड़े खुश रहेंगे उससे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या टैंजेबल चीज तुम प्रोवाइड कर रहे हो तुम एक फीलिंग तो दे रहे हो लोगों को हाँ ठीक है फीलिंग्स सिर्फ लोग बड़े इंस्पायर होंगे कहेंगे भाई भाई फुटबॉल नेक्स्ट लेवल चीज है फुटबॉल सपोर्ट करने लग जाएंगे बेटर है तुम आप एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग ग्राउंड खोल दो यार वहाँ पे वो टैजेबल चीज़ है लोग ज़रूर आके रोज आके वहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो वहाँ पे खेलने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे हमने रिपोर्ट सुनी कि यार, आ, की यार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इन्वाइट भेजा है कोल्हापुर के टीम्स को आई लीग सेकेंड डिवीज़न में खेलने के लिए बट इन्वाइट तो भेज दिया वो तो सब तो ठीक है यार बट किसी ने क्या पे आ, एक बार वंडर करने भी कोशिश की है यार जो वहाँ पर क्लब्स हैं वो बेसिकली इवाइट्स में आ नहीं पाते बिकॉज उनके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अफेयर्स उनको हेल्प नहीं करते हैं यार टीम्स को ट्रैवल करने के लिए तो बाबा भाई इमोशन में तो बात हम कर जाते हैं बहुत ज़्यादा भाई कि इन्वाइट भेजा ये किया वो किया बट दिस शुडेंट हैपन एंड यहां पर मैं अग्री करूंगा से पोलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस ही रहेंगे ना यार कौन ले जाएगा भारत को आगे कौन ले जाएगा भाई इन कॉम्पिटिशन uh, में हमें विन्स कौन जीताएगा हमारे कोच जो इतना भाई सामने आके यार मुंह बोली बातें बोल जाते हैं यार एकदम विदाउट फेरिंग एन इवन वी नीड समाइक दैट टू स्पीक फैक्ट्स हमें कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि चूँकि आके चाटे यार और वो इगोस्टी मैच बॉस से ही करते वो मुंह में जो बात बाती बोलते हैं ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा मांगते भाई फोर वीक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा चल ठीक है मैं समझ समझा कल्याण सर ने बताया तो समझ में आता है बट इफ इन एनी वेज वी कैन एडजस्ट टू दैट अगर हम अपना टूर्नामेंट थोड़ा सा पहला स्टार्ट कर ले यार एफ एस तो है भाई इन बैठो बात करो अभी कैसे सऊदी ने एक महीना पहले लीग बंद कर दी भाई वर्ल्ड कप से पहले हाउ डिड इट डू दैट कैसे किया सऊदी ने एक महीना पहले लीग कैसे बंद कर दी अपनी वर्ल्ड कप से पहले हाउ और जाके अर्जेंटीना को वो डिफीट करते हैं गाइज आज भी उस विन का तुम बात करते हो छः सात महीने हो गए अर्जेंटीना को हारे हुए वो पहला गेम सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट आज भी तुम बात करते हो और तुम इसको पचास सालों तक भी बात करोगे रिमेंबर वर्ल्ड कप के टाइम पे कौन सी टीम थी जिसने अर्जेंटीना को हराया सऊदी अरेबिया भाई क्यों क्योंकि उन्होंने एक महीना पूरा अपना भाई लीग बंद कर दिया था जो दो दैट डे किट प्रिपेयर फॉर दैट वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप के लिए ऐसा इतना ज्यादा प्रिपरेशन करके आए थे हम एशियन कप के लिए भाई कम ऑन यार हमें टाइम तो चाहिए रहेगा ऑब्वियसली और हमने देखा है देखो भाई ये गलत बात नहीं है हमने देखा है कि एक अच्छा कैंप दोगे अगर तुम एक और को प्लेयर्स को एक अच्छा टाइम दोगे अपनी फिटनेस को मेंटेन करने का ट्रेन करने का टीम केमिस्ट्री बढ़ाने का तो जो प्रॉब्लम जो फाइनल थर्ड्स की प्रॉब्लम्स है जो हमें हमें अक्सर फेस करने को मिलती है वो हमें ना ना मिले और मे बी हम बेटर फुटबॉल खेल पाए सो गाइस दैट वाज दैट बने रहिए थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग द वीडियो डू लेट मी नो योर ओपिनियन एंड योर व्यूज इन दी कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो जरूर से बता रहा मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूं तुम लोगों के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीव अ लाइक एंड जय हिंद एंड पीस आउट